टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में धोनी की वापसी की उम्मीदें बेहद कम नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी मुकाबला 9 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले में खेला था और उसके बाद से धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने में नाकाम रहे हैं। बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होगी या नहीं, इस पर तो फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी वापस आते हैं तो किस तरह उनकी वापसी होगी, इस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि 29 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होनी थी, लेकिन वायरस के जबरदस्त प्रकोप की वजह से 15 मार्च तक आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वजह से सभी टीमों के ट्रेनिंग कैंप भी पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं और धोनी अब वापस लौट आए हैं। ऐसे में खबरों की माने तो अगर आईपीएल नहीं भी होता है तो बीसीसीआई ने माही को वापस लाने का नया प्लान बनाया है। जी हां, खबरों की माने तो बीसीसीआई महेंद्र सिंह धोनी को एशिया कप में टीम में मौका दे सकती है। बताया जा रहा है कि 30 प्रोबेबल खिलाड़ियों की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल किया जा सकता है। यही वजह है कि अब महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही आईपीएल में वापसी करेंगे तो उन्हें टीम में मौका मिल सकता है, और अगर आईपीएल नहीं भी होता है तो धोनी फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हर हाल में होगी, क्योंकि जब तक दादा हैं धोनी को टीम से बाहर कोई नहीं रख सकता। वैसे भी जो नई चयन समिति बनी है उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वो आखिरकार धोनी की वापसी किस तरीके से कराए। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी वापस आना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये उन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि फिलहाल आईपीएल की प्रैक्टिस पूरे तरीके से खत्म होती नजर आ रही है, और अगर आईपीएल नहीं होगा तो फिर धोनी को डबल प्रैक्टिस करनी होगी। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।